आप तो ही मैंने अभी तक जो है ना खाना पीना नहीं खाया था, तो फाइनली जो है ना वही खाने के पीछे गया हुआ था सामान लेने के लिए। तो मेहरबानी करें तमाम दोस्त, लैब पर आने से पहले पठान कौम को लाजम लानत करें, क्योंकि एक बंदे की वजह से हमें तो लगता है पूरी कौम बदनाम है। हमें एक बंदे ने एक ने दो बंदे ने हमें धोखा दिया, दो पठानों ने, तो जिसकी वजह से हम पूरी कौम को बदनाम करते हैं। ये कौम एक गलीज तरीन कौम है, लूट मार और सबसे बड़ी बात बच्चों को अगवा करना, और मेन चीज जो है दीन के दुश्मन नमाज का मजाक उड़ाते हैं। कौन उड़ाते हैं? ये पठान लोग उड़ाते हैं। किसी का हक मारना है तो ये नंबर वन है, किसी के बच्चों को अगवा करना है तो ये दुनिया में बहुत नंबर वन पहले नंबर पर है पठान कौम। हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह उनको और ज्यादा दे। जो हमारे दोस्त हैं हम उनसे नहीं, हमारा कोई शिकवा नहीं है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, पठान भी हैं, हमारे दोस्त हैं। लेकिन हम जो लोग दूसरों का हक मारते हैं, बच्चों को अगवा करते हैं, नमाज का मजाक उड़ाते हैं, ऐसों पर तो हम लानत करते रहेंगे। ऐसे पठानों पर हम ता हयात लानत करते रहेंगे, क्योंकि हमने अपना मजदूरी का पैसा खोया है इस कौम की वजह से, क्योंकि हमने भरोसा किया, क्योंकि ये एक बदनाम तरीन कौम है। कभी जिंदगी में भी पठान कौम पर भरोसा करने से पहले ये सोच लेना आप लोग एक शैतान पर भरोसा कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ अगर आप लोग किसी मलबारी इंडियन बाओ हिंदू जो बुत प्रस्त हैं आप उन लोगों के साथ भी काम करेंगे तो वो भी आपका हक नहीं मारेगा, वो भी आपको पैसा दे देगा, क्योंकि वो गैर मुस्लिम है। उसका अकीदा है, मैं आज तक नहीं सुना कोई गैर मुस्लिम किसी का हाथ मार के गया है। ये हमारे मुसलमान ही हैं जो गरीबों का हक मारते हैं, धूप में काम करने वालों का। सबसे मेन चीज पठान कौम है, ये एक गलीज तरीन कौम है। मैं तो कहता हूं अगर कोई पठान एक पैदा होता है ना, जब वो पैदा होता है तो उसकी माँ के साथ पता नहीं कितने शैतान सोते हैं, तब वो एक पठान हरामी पैदा होता है। हम ऐसे गलीज पठानों पर ताहयात जिंदगी में लानत करते रहेंगे। अच्छे हैं बुरे भी हैं, लेकिन बुरे बहुत ज्यादा हैं, अच्छे बहुत कम मिलेंगे आपको। आप मेहरबानी करें कभी जिंदगी में भी पठान कौम